जादुई बालों का पेड़। बहुत समय पहले की बात है, नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में पायल नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। पायल पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, परंतु गांव में स्कूल ना होने के कारण वो एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। पायल का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता बहुत साल पहले एक दुर्घटना में स्वर्ग चले गए थे। पायल के माता पिता के कुछ खेत थे, जिन पर खेती बाड़ी करके जो भी फल व सब्जियां होती, पायल उनसे अपना गुजारा किया करती थी। पायल जिस फैक्ट्री में काम किया करती थी, वहां उस सेठ का एक हैंडसम नौजवान लड़का भी आया करता था। एक ही जगह रहने की वजह से उन दोनों में काफी बातचीत हो गई थी और पायल मन ही मन रोहन को पसंद करने लगी थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन पायल काम पर जा रही होती है और वो मन ही मन सोचती है, मैं रोहन को पिछले 2 सालों से लाइक करती हूँ, परंतु कभी भूल नहीं पाई। मुझे लगता है कि मुझे अब रोहन से शादी की बात कर लेनी चाहिए। इसी तरह सोचते सोचते पायल फैक्ट्री पहुँच जाती है। तभी वो चारों तरफ देखती है कि आज रोहन फैक्ट्री नहीं आया है। ये देखकर वो उदास हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। शाम के समय वो सही मौका देखकर पायल रोहन के पिताजी से शादी की बात करती है। मालिक, मैं आपके बेटे रोहन को लाइक करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या बोली तू, ज्यादा मुँह चलने लगा है तेरा। 2 कौड़ी की लड़की तू मेरे बेटे पर लाइन मार रही है। मैं अपने बेटे की शादी एक रईस घर में कराना चाहता हूँ। तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। शादी में मुझे पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। बोल है दम तो कर ले शादी मेरे बेटे से। और इस तरह रोहन के पिताजी पायल को बहुत सुना देते हैं और उसे अपने घर से निकलने के लिए कहते हैं। पायल उदास मन से वहां से चली आती है। इस तरह अगले दिन पायल वापस काम पर आती है तो पायल रोहन को सभी बातें बताती है। कि तुम भी मुझे गलत समझते हो रोहन, मुझे तुम्हारी धन दौलत का कोई लालच नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ और मैं भी तुमसे दिल से पसंद करता हूँ, परंतु मुझे अपने माँ बाप का कहना मानना पड़ेगा। उनके मुताबिक रुपए कमाओ और जल्दी से अमीर बन जाओ तो माँ पिता हमारी शादी करा देंगे। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब रोहन भी मुझसे सच्चा प्यार करता है। अब मुझे बस जल्दी से अमीर बनना है। उसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे कमाने पड़ेंगे। अगले ही दिन पायल अपने खेतों में कुछ मजदूर खुदाई के लिए लगा देती है। 2-3 दिन कुआं खोदने के बाद पायल को कोई फल नहीं मिलता और कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं निकलता। पायल ये सब देखकर बहुत निराश हो जाती है और अब उसके पास 1 भी रुपए नहीं बचे होते। पायल निराश मन से ही घर चली आती है। पायल को बहुत चिंता हो रही थी और वो बिना खाना खाए सो जाती है। पायल जब गहरी नींद में होती है तो उसे एक सपना आता है। सपने में परी उससे कहती है, पायल बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसा घर चाहती हो तुम्हें वैसा ही घर मिलेगा। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे खेतों में एक जादुई बालों का पेड़ लगा दिया है और तुम्हें अब हर रोज रात को उस पेड़ से जादुई सुंदर सुंदर बाल मिल जाया करेंगे, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर बन सकती हो। परंतु ध्यान रखना, उस जादुई पेड़ को कोई देख ना ले और किसी को उस पेड़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इतने में पायल की नींद खुल जाती है और वो आधी रात को ही उठकर अपने खेतों की ओर जाती है। खेत पर पहुंचकर वो देखती है कि वाकई में परी का सपना सच था और अब उसके खेत में एक जादुई बालों का पेड़ आ गया है। ये देखकर पायल बहुत खुश होती है और सभी बाल तोड़कर अपने साथ ले जाती है। अगले सुबह होते ही पायल शहर जाकर एक एक करके वे जादुई बाल बेच देती है। अब पायल को बाल बेचकर अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। पायल उन पैसों को जोड़ जोड़ कर रख रही थी। इसी तरह पायल रोजाना रात को उस जादुई पेड़ के पास जाती है और सुबह बाजार जाकर वे जादुई बाल बेच दिया करती थी। इसी तरह करते करते 1 साल बाद पायल उन जुड़े हुए पैसों से अपने लिए एक आलीशान घर खरीदती है। अब पायल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और जादुई पेड़ भी उसे बहुत सारे सुंदर सुंदर बाल दे दिया करता था। अब पायल का शहर में एक हेयर ड्रेसिंग का बहुत बड़ा पार्लर हो गया था। उसी पार्लर में एक दिन रोहन की माँ कल्याणी
अपनी छोटी बेटी के साथ अपने हेयर कटिंग करवाने आती है। कल्याणी जब पेमेंट करने काउंटर के पास जाती है तो वो पायल को देखकर हैरान रह जाती है। ओए मनहूस, तू यहाँ क्या कर रही है और तूने फैक्ट्री का काम छोड़कर यहाँ नौकरी शुरू कर दी है क्या? एक्सक्यूज मी गर्ल, मुझे तुम्हारे इस एम्प्लॉय की शक्ल नहीं देखनी, कृपया इसे पार्लर से बाहर कीजिए। माफ कीजिए मैडम, ये हमारी मैम है, इस शॉप की ओनर, आप इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। कल्याणी ये सुनकर हैरान रह जाती है कि वाकई में पायल इतनी अमीर हो गई है कि अब उसके पास मुझसे भी ज्यादा रुपए हैं। अरे बेटा पायल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत पहचान लिया। एक दिन हमारे घर पर चाय पर आओ ना, मुझे तुमसे रोहन और तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है। और इस तरह कल्याणी शर्माते हुए वहाँ से घर चली जाती है। घर जाकर कल्याणी सोचती है, ऐसा क्या हाथ लग गया इस पायल की बच्ची को जो इतनी जल्दी इतनी अमीर हो गई, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन कल्याणी पार्लर के बाहर छुपकर पायल के घर जाने का इंतजार करती है और पायल के आते ही वो इसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। रात होने पर कल्याणी देखती है कि पायल आधी रात को कहीं जा रही होती है, वो इसका पीछा करने लगती है। अंत में वे दोनों पायल के खेतों में जादुई बालों के पेड़ के पास पहुंचते हैं। कल्याणी जादुई बाल देने वाले पेड़ को देखकर वो सब समझ जाती है और वहां से दबे पैर निकल जाती है। अगले दिन रात होते ही कल्याणी वहां पायल से पहले पहुंच जाती है और जल्दी से जादुई बालों का पेड़ काटने की सोचती है। कल्याणी जैसे ही पेड़ को हाथ लगाती है, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर दूर जाकर गिरती है। ये देखकर कल्याणी वहां से डरकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब वहां पायल पहुंचती है तो देखती है कि वहां जादुई पेड़ नहीं है। पायल ये सब देखकर समझ जाती है कि किसी और को भी जादुई पेड़ के बारे में पता चल गया है। ये देख पायल अपने घर वापस चली जाती है, परंतु अब पायल के पास खुद का इतना बड़ा घर, बैंक बैलेंस और शहर में पार्लर की दुकान थी। वो पूरे 50 लाख रुपयों के साथ रोहन का हाथ मांगने सेठ के घर पहुँच जाती है। कल्याणी भी लालच में आकर शादी के लिए तुरंत हाँ बोल देती है। अब कुछ ही दिनों बाद दोनों की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। पायल और रोहन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं और दोनों मिलकर अपने पार्लर की शॉप को हंसी खुशी से चलाने लगते हैं और एक अच्छी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, बसंतपुर गाँव में सभी गाँव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। नवरात्रों के दिन थे और दशहरा आने वाला था। गांव में दशहरे का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था जिसमें सभी लोग घूमने जा रहे थे। उसी गांव में पिंकी अपनी चाची विनीता के साथ रहती थी। पिंकी का रंग दिखने में काला और बदसूरत था, जिस वजह से पिंकी की चाची पिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पिंकी की चाची बहुत ही जालिम थी और खड़ूस औरत थी। वो पिंकी पर दिन रात अत्याचार करती थी और उससे घर के सारे काम भी करवाती थी। ये बात कुछ 10 साल पुरानी है, जब पिंकी 4 साल की थी और उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस दिन से पिंकी के जमीन जायदाद हड़पने के लिए पिंकी की चाची उसके साथ उसके घर में रहने लगी थी। पिंकी के चाचा पंकज शहर में ड्यूटी किया करते थे और गांव में पिंकी की चाची विनीता और विनीता की सगी बेटी कोमल रहती थी। विनीता अपनी सगी बेटी कोमल को दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। विनीता को पिंकी का स्कूल जाना पसंद नहीं था, परंतु अपनी बेटी कोमल को गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजती थी। अपनी माँ के लाड प्यार और अंधाधुंध पैसे की वजह से कोमल बहुत बिगड़ गई थी और वो पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देती थी। परंतु सगी बेटी होने के कारण टेस्ट में 0 नंबर लाने पर भी विनीता कोमल को कुछ नहीं कहती थी। यहाँ दूसरी तरफ विनीता का पिंकी के प्रति अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन खाने में नमक ज्यादा होने की वजह से कोमल विनीता को पिंकी की शिकायत लगा देती है। ये खबर सुनकर विनीता बहुत गुस्सा होती है और पिंकी की बहुत पिटाई करती है।
अंत में जब कोमल का मन नहीं भरता तो वो दोनों बांध कर उसे स्टोर रूम में बंद कर देती हैं। बेचारी पिंकी पूरी रात स्टोर रूम में बंद रहती है। अगली सुबह विनीता उसे खोलने के लिए आती है। अभी तो तुझे खोल रही हूँ, परंतु ध्यान रहे, आगे से तूने जरा भी गलती की तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे सड़क पर बैठा दूंगी। चल जल्दी से हमारे लिए खाना बना और उसके बाद तुझे बाहर साड़ियाँ बेचनी भी जानी है। इस तरह पूरी रात रस्सी से बंधे होने के कारण पिंकी का पूरा शरीर दर्द कर रहा था, परंतु वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी चाची का अत्याचार सहती रहती। पिंकी जल्दी जल्दी सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। इस तरह थोड़ी देर बाद पिंकी पूरे गांव में साड़ियां बेचने निकल जाती है। पिंकी ने जल्दी जल्दी में सुबह से खाना नहीं खाया था, परंतु फिर भी वो जैसे तैसे साड़ियां बेचती है। इसी तरह पिंकी हर रोज जो भी साड़ी बेचकर रुपए बनते सीधा अपनी चाची के हाथों में थमा दिया करती, और बदले में पिंकी की चाची पिंकी को केवल एक सूखी रोटी ही देती थी। एक दिन पिंकी पूरे गांव में साड़ी बेचने के लिए घूमती है, परंतु उससे कोई साड़ी नहीं लेता। अंत में पिंकी साड़ी बेचने के लिए गांव के मेले में चली जाती है। मेला जाकर पिंकी देखती है कि वहां तो बहुत ही बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और सभी झूले पर लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर पिंकी को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब उसकी माँ उसे झूला झुलाया करती थी। अपनी माँ को याद करके पिंकी कहती है, आज मेरी एक भी साड़ी नहीं बिकी। अगर साड़ी नहीं बिकेगी तो मेरे पास रुपए नहीं होंगे और मैं बिना साड़ी बेचे घर गई तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं क्या करूँ माँ, क्या करूँ मैं? इस तरह पिंकी साड़ी बेचने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उसकी कोई साड़ी नहीं बिकती। तंग आकर पिंकी बिना साड़ी बेचे ही घर पहुंच जाती है। पिंकी जैसे ही घर पर कदम रखती है तो उसकी चाची उसके सामने आ जाती है। ला जल्दी से पैसे, आज कितनी साड़ियाँ बेची तूने? वो चाची जी, आज मैंने साड़ी नहीं बेची, मैंने बहुत कोशिश की परंतु किसी ने साड़ी नहीं ली। मुझसे झूठ मत बोल, मुझे पता है तू पूरा दिन मेले में घूमती रही और तूने एक भी साड़ी नहीं बेची। पड़ोस वाली शर्मा जी की लड़की कह रही थी कि तू मेले में मजे कर रही थी। आज तेरी यही सजा है कि मैं तुझे खाने को एक भी रोटी नहीं दूंगी। चल जा जल्दी से, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। इस तरह विनीता पिंकी को डांट फटकार कर भगा देती है। पिंकी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, वो भूख से परेशान हो रही थी, परंतु उसके सामने रखा हुआ खाना भी वो नहीं खा सकती थी। इस तरह वो धीरे धीरे चाय बनाकर अपनी चाची को दे देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सभी लोग सो जाते हैं, परंतु पिंकी को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसने पिछले दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। जब पिंकी से भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो खाना खाने किचन में जाने लगती है। मैं किचन में जाकर देखती हूँ, वहाँ एक सूखी रोटी डस्टबिन में पड़ी हुई थी। पिंकी जल्दी से रोटी उठा लेती है और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। इतने में वो देखती है कि वहाँ तो विनीता उसके सामने खड़ी है। चोर कहेंगी, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बिना पूछे रोटी ले जाने की? लगता है तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती। इतना कहकर विनीता पिंकी की पिटाई लगा देती है। विनीता पिंकी को मार मार कर उसके हाथ पैर तोड़ देती है और इसे किचन में छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। पिंकी अपनी चाची की मार खाकर बेहोश हो जाती है और रात भर वहीं पड़ी रहती है। अगली सुबह विनीता किचन में आकर उसके ऊपर गर्मा गर्म पानी डाल देती है। रुक जाओ चाची, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। उठ जा कलमुही, देख नहीं रही सुबह के 6 बज चुके हैं, जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दे। पिंकी उठकर देखती है कि उसका शरीर तो बहुत जोरों से दुख रहा है और उसमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। पिंकी जैसे तैसे कर उठती है और विनीता के लिए नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर बाद नाश्ता टेबल पर लगाने के बाद पिंकी विनीता से कहती है, चाची जी क्या मैं इसमें से एक ब्रेड का टुकड़ा खा सकती हूँ? मैंने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है और मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं है। चुप कर, और खबरदार अगर तूने इसमें से एक भी टुकड़ा को हाथ लगाया, अभी जाकर मेले में साड़ी बेच कर आ, और अगर आज भी तू साड़ी बेच कर नहीं आई तो मैं तुझे आज भी खाना नहीं दूंगी। पिंकी अपनी चाची का विरोध नहीं करती और चुपचाप साड़ियां बेचने के लिए निकल जाती है। आज भी पिंकी मेले में बहुत जोरों से आवाज लगाती है, साड़ियां ले लो, सुंदर सुंदर साड़ियां ले लो, 500 रुपए वाली साड़ी 100 रुपए में, 500 वाली साड़ी 100 रुपए में। इस तरह पिंकी जोरों से आवाज लगाती है, परंतु एक भी कस्टमर उसके पास नहीं आता। पिंकी साड़ियां बेचने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ती है, परंतु उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही थी।
वो लोगों की भीड़ में दब जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब पिंकी की आंखें खुलती है तो देखती है कि वो तो एक राक्षस के सामने खड़ी है। अपने आप को उसके सामने देखकर वो बहुत डर जाती है और कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो, अगर मैं घर नहीं गई तो मेरी चाची मेरी जान ले लेगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। पिंकी बेटा, मुझे पता है तुम्हारी चाची तुम पर दिन रात अत्याचार करती है और तुम्हें खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं देती है। हा हा हा, मैं रावण हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या रावण, आप ये मेरे सामने कैसे आए? आपको तो भगवान श्री राम ने मार दिया था ना? हाँ बेटा, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली थी, परंतु उस दिन से मैंने सच्चाई का रास्ता अपनाया और मैं लोगों की मदद करने लगा। आज मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा और तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। यह लो, यह जादुई लहंगा है, तुम इस लहंगे को घर जाकर पहनना। यह लहंगा पहनते ही तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी चाची भी तुमसे प्यार करने लगेगी। आज के बाद यह जादुई लहंगा तुम्हारी सभी मुसीबतों से रक्षा भी करेगा। इतना कहकर रावण वहाँ से गायब हो जाता है। पिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वो रावण की कही बातों पर विश्वास कर लेती है और वो जादुई लहंगा लेकर घर आ जाती है। पिंकी को अपनी चाची जी का बहुत डर लगा रहता था, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से घर में घुस जाती है। पिंकी सबसे पहले नहाकर वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनती ही वो एक राजकुमारी की तरह सुंदर और खूबसूरत हो जाती है। पिंकी अपना ये रंग रूप देखकर हैरान रह जाती है और बहुत खुश होती है। इसके बाद पिंकी जैसे ही अपनी चाची के पास जाती है, पिंकी की चाची का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी प्यारी बेटी, मैं आज तक तुझ पर बहुत अत्याचार की हूँ और तू उन अत्याचारों को सहती रही, परंतु आज खुद भगवान श्री राम ने आकर मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे चेतावनी दी है, अगर मैंने तेरे साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझे नर्क में धकेल देंगे। प्लीज एक बार कह दे कि तूने मुझे माफ कर दिया, नहीं तो मुझे बहुत पाप लगेगा। चाची जी, आप मुझसे बड़ी हो, कृपया मुझसे माफी मत मांगो। आपने इतने सालों तक मुझे पाला पोसा है, मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी, मैंने आपको माफ किया। ये सुनकर पिंकी की चाची पिंकी को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद दोनों चाची और भतीजी हंसी खुशी से एक साथ रहने लगती है। जादुई लहंगा भी उन दोनों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता और जो भी पिंकी उस जादुई लहंगे से मांगती उसे मिल जाया करता। इसी तरह दशहरे वाले दिन पिंकी की चाची पिंकी और कोमल दोनों को एक साथ मेला दिखाने ले जाती है और वो सभी लोग एक साथ खूब इंजॉय करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।